हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चा पुष्पा जी के बारे में इतना सब कुछ जानता कैसे है। बच्चा ही तो है, कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। और अगर ये काम किसी बड़े का है, किसी अडल्ट का है, तो फिर उसका इस सब के पीछे मकसद कुछ और है। लेकिन क्या? देखिए मैडम सर, हमने तो बच्चे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बोल दिया था कि जो बातें वो कह रहा है वो मोहल्ले में सभी लोग, सब रिश्तेदार सब जानते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ हम और पुष्पा जी ही जानते हैं। इसलिए हाँ, हम भी हैरान है कि वो इतनी सारी बातें कैसे जानता है। और पुष्पा जी के साथ ये सब करने का उसके पीछे मकसद क्या है? क्या हासिल हो जाएगा उसे? पुष्पा जी पुलिस वाली है, कोई बेवकूफ ही होगा जो पुलिस के साथ डायरेक्टली इस तरह से उलझेगा। अब हमें परमिशन दीजिए मैडम सर, हम अभी जाते हैं और पता लगाते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम अपने तरीके से पता लगाते हैं। क्योंकि देखिए, ये मामला एक बच्चे का है, सेंसिटिव है, तो हमें थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। हम देखते हैं क्या हो सकता है जी। लेकिन तब तक हम पुष्पा जी को कह देते हैं कि वो जो है थोड़ा दूर रहे उस बच्चे से। क्या हो ना हो, ये बच्चा जो है ना पुष्पा जी की भावनाओं के साथ खेलने के पूरे मूड में है। नहीं प्लीज, अलग मत करिए बच्चे को। अभी आप ही ने कहा ना थोड़ी देर पहले कि पुष्पा जी उस बच्चे के साथ बहुत खुश है, तो फिर क्यों खामखा उनकी खुशी को छीना जाए? एक काम कीजिए, जब तक हम सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, आप उस बच्चे पर नजर रखिए, पर अलग मत कीजिए। जी मैडम सर। सदा सुहागन रहो। अरे आइए ना, अपने ससुर के पैर छुई। क्या कर? वो पल्लू वल्लू नहीं है? नहीं नहीं है, पल्लू है। ये लो पल्लू, ससुर जी के पैर छुओ। सदा सुहागन रहो। अब ये क्या नया ड्रामा है? क्या चल रहा है ये सब? जय हिंद सर। जय हिंद। आप कौन? पति है, पति। किसके? हमारे। पर वो तो निकल लिए थे ना? नहीं नहीं, उनका स्वर्गवास हुआ था, मगर पुनर्वास हुआ है फिर से इनके शरीर में। ये तो बच्चा है। इस जन्म में, पिछले जन्म में वो हमारे पति थे। हाँ, प्यारे सिंह, हेड कांस्टेबल का प्रिंसिपल, माने लल्ला के पप्पा। एक सेकंड पुष्पा जी, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा है, ये आपके पति का पुनर्जन्म है? सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाती हूँ। तो जैसे ही बच्चे को एहसास हुआ, वो फौरन थाने आ गया अपनी पिछले जन्म की बीवी से मिलने के लिए, जो कि है अपनी फू पुष्पा जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दीवान जी, हमें ये तो पता था कि यहाँ सबके दिमाग थोड़े थोड़े हिले हुए हैं, लेकिन इस हद तक हिले हुए हैं ये हमें अभी पता चल रहा है। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, अरे कहाँ होता है ये सब? दिस इज शियर नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज आपको कोई बात नॉनसेंस लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबके लिए भी वो नॉनसेंस हो। सबके अपने अपने विश्वास है, इन्हें है विश्वास कि ये है इनके पति, तो क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड हसीना मलिक, मतलब आपको भी लगता है कि पुष्पा जी बोल रही हैं वो सच है? हाँ, हम भी मानते हैं कि यही है पुष्पा जी के पति। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए अपना ये सर्कस इस चुन्नू मुन्नू के साथ, हमारे पास और भी बहुत काम है। चलिए दीवान जी, इनका तो चलता ही रहता है। कहाँ है वो गधे की औलाद? आप? जी अम्मा, मैं, मेरी ही औलाद है ये। अच्छा, तो आप ही है वो गधे। बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। मैं ही वो गधा हूँ जिसने इस कपूत को जन्म दिया है। जब से ये पैदा हुआ है तब से एक ही बात की रट लगाए हुए है, मैं मोंटू नहीं हूँ। एक मिनट, मोंटू कौन है? यही है, इसी का नाम तो मोंटू है। पापा, आप पूछते थे ना कि मैं मोंटू नहीं हूँ तो क्या हूँ? मैं हेड कॉन्स्टेबल कम प्रिंसिपल प्यार सिंह भी हूँ। इनसे मिलिए। नमस्ते माता जी। बहू है आपकी? क्या? ये तुम्हारे इस जन्म की ससुर है, आशीर्वाद लो। अरे दूर दूर दूर, क्या बकवास है ये? अरे मेरी सास की हमउम्र महिला को तुमने मेरी बहू बना दिया, कैसा खुराफाती बच्चा है! कभी टीचर को पिछले जन्म का फूफा बोलता है ये। फूफा जी मिले थे आपसे? हाँ, हमारे क्लास में ही तो पढ़ाते। कभी अंडे वाले को चाचा बोलता है। वो अभी भी अंडे बेचते हैं? हाँ।
अपने दोस्तों के पापाओं से पतियाता फिरता है दिन भर। अरे ये कैसी आफत है, क्या करूं मैं तेरा, हैं? अब घर जाओ। हमारा इंतजार करना, हम वापस जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे लल्ला के पापा। सर ये फाइल आपने मांगी थी। थैंक यू श्रीवास्तव जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय। गुड नाइट मिस मलिक। जी जितना मैं आपको आज तक जान पाया हूँ मिस मलिक, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी नासमझ होंगी कि जो भी ड्रामा आज हुआ उससे इत्तेफाक रखती होंगी। एंड आई एम श्योर कि आप इन पुनर्जन्म जैसी बकवास बातों पे बिलीव भी करती होंगी, बट फिर भी जो ड्रामा चल रहा था आप उसे सपोर्ट कर रही थी, जान सकता हूँ क्यों? नहीं देखिए क्या है, आपको समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। तजुर्बा कहता है हमारे कि बातें फर्जी हो सकती है लेकिन एहसास नहीं, क्योंकि एहसास जज्बात से जुड़ा होता है और जज्बात में लॉजिक नहीं देखा जाता। पुष्पा जी सालों से एक इंसान से दूर रही हैं, वो इंसान जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, शिद्दत से रिश्ता निभाया, और अब जब उस इंसान के होने का फर्ज ही सही एहसास अगर उन्हें थोड़ी सी खुशी दे रहा है, तो उस खुशी को छीन कर इतना लॉजिकल होकर हम कौन सा बहुत महान काम कर लेंगे? मिस मलिक आप जानती हैं ना कि ये दुनिया वाले एक अच्छे और ईमानदार जज्बाती इंसान को सिर्फ बेवकूफ ही समझते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन हमारी नजर में जिस इंसान में ये तीनों बातें ना, वो इंसान ही नहीं। चलते हैं। और एक चीज, आपने कहा था ना कि हम महिला पुलिस थाने वाले सारे थोड़े से हिले हुए हैं, बिल्कुल सही कहा था। और मजे की बात पता है क्या है, इस बात पर हमें अफसोस नहीं, फक्र है। गुड नाइट। गुड नाइट। पू लल्ला के पापा। अरे जाइए जाइए, ससुर जी आए। पैर पीड़ी पल्लू नहीं है, है। आशीर्वाद लीजिए। पैर छुइए। आशीर्वाद दीजिए। सदा स्वागत रहो। हे बाप रे माँ, ये अभी तक चल रहा है? ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है माँ। होता है हा? होता है, होता है, बिल्कुल होता है, होता है, पुनर्जन्म होता है। पुष्पा जी के पति ही हैं, ऐसा होता है। देखो पुष्पा जी कितनी खुश है। हा, हा, हा। दीवान जी आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं टीवी क्यों नहीं देखता, क्या लगता है आपको इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट आपको टीवी पे देखने को मिलेगा? अभी हमारी फैमिली पूरी होगी। वैसे तुम करते क्या? बिल्लू जी चोर है। अच्छा तो तुम ही हो। छोड़ दीजिए उसे। अब वो ये सब नहीं करता, वो बदल गया है। अब वो पुलिस के लिए काम करता है, खबरी बन के, समझ लीजिए अंडरवेयर पुलिस है। कवर से याद आया, बहू यहाँ। देखिए यहाँ पे कोई बहू या ससुर नहीं है, ये थाना है, यहाँ पे हम आपके सीनियर है, इसलिए हम आपके नहीं, आप हमारे ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ ये भी ठीक है, सॉरी मैडम। कहिए क्या कहना चाहते हैं। किसी को गोपालगंज मार्केट में भेजिए, वहाँ एक अफजल नाम के टेलर की दुकान है, उसकी जाँच करवाइए। कहाँ पकड़ो लिए, मतलब ये बच्चा कुछ भी बोलेगा हम किसी भी शरीफ आदमी पे जाके चढ़ दौड़े, इतना बुद्धि आउट नहीं हुआ अभी हमारा। तुम्हारे तो सच में भाग फूट गए पू। का? अरे विश्वास कीजिए मैडम, हम सच कह रहे हैं। उस टेलर में गड़बड़ जाके चेक तो कीजिए एक बार। हाँ मैडम सर, अगर ये इतना कह रहे हैं तो एक बार जाके देखने में क्या हर्ज है? नहीं पुष्पा जी, ऐसे कैसे जाके देख ले, हमारे पास वारंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर जाके दुकानदार पर हाथ डाला और वो निर्दोष निकला तो उल्टा केस हम पर बनेगा। निर्दोष नहीं है वो दुकानदार, बहुत बुरा ना पापी है, घिसा हुआ घाघ मुजरिम है वो। अफजल अंसारी उसका असली नाम भी नहीं है, पहचान बदल कर ड्रग्स का इलीगल धंधा चला रहा है, और असली नाम मोहम्मद खान है। 20 साल पहले भी ड्रग्स बेचते हुए हमने ही उसे पकड़ा था, सुधरा नहीं है। आज भी उसका ड्रग्स का काला धंधा जारी है। जाइए पकड़िए, बहुत बड़ी मछली है, पूरे विभाग में जय जयकार हो जाएगी आपकी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी माँ,
सॉरी टू से मिनी पापा, लेकिन आपकी जो ये इंफॉर्मेशन ये टोटल रॉन्ग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे यानी बिलू द स्पाई को सबसे पहले पता होता। तो ये जो काले धंधे हैं शहर के सब मुझे पता है, और ये जो टेलर है ना उसके बारे में मैंने कुछ गड़बड़ सुना नहीं है, टोटल रॉन्ग। बाप भी बोलता है और बाप की इंफॉर्मेशन पर डाउट भी करता है। कांस्टेबल प्यारे सिंह छोड़ी से। करिश्मा सिंह एक बार जाकर कंफर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। लेकिन मैडम सर प्लीज। जी मैडम सर। रुकिए करिश्मा सिंह, दिस इज टू मच हसीना मलिक। आप इस मामले को अपनी नजर से देखती हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इस थाने का एसएचओ होने के नाते मैं ये नौटंकी और नहीं देख सकता। आपको इस मामले में टाइम वेस्ट करना है आप शौक से कीजिए, लेकिन मैं अपने थाने के स्टाफ को इस मामले में टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा। माफ कीजिएगा अमर सर, पर अगर मैडम सर ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। मतलब हमें तो कोई बुराई नहीं लग रहा, एक बार जांच कर लेंगे। ये एक तुक्का मारा है, कहीं पे भी लग सकता है सर, तो हमें ऐसा लगता है हमारे विचार में हमें एक बार जाके जांच कर लेना चाहिए। नहीं, आपकी जगह पे ये किसी और को भेज सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारी टीम में। आपको इन फिजूल की चीजों पर टाइम वेस्ट करने के लिए हम अपनी परमिशन नहीं दे सकते करिश्मा सिंह। ठीक है, कोई बात नहीं संतोष शर्मा, ये काम अब आप करेंगे। जी मैडम सर। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शादी के जोड़े का नाप देता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है बी अलर्ट। इसमें आपका कोई दोष नहीं है सर, मैडम सर के तरीके थोड़े अलग हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम सर के जज्बात ठीक नहीं है तो शर्त लगा लेते हैं, अगर इस बार मैडम सर के तरीके ठीक नहीं हुए तो अगले एक हफ्ते तक मैंने सल्यूट करूंगा, लेकिन अगर आपकी मैडम का तजुर्बा गलत निकला तो ये मुझे अगले हफ्ते तक सल्यूट करेंगी। जी भैया, आप कपड़े सिलते हैं? नहीं, जूते सिलते हैं। ओहो, मूंछों के साथ बातों में भी व्यंग, वाह। मेरा मतलब है कि कपड़े सिलते हैं ना आप, तो कपड़े सिलवाने। अरे हम जेंट्स हैं। हाँ हाँ पता है आप जेंट्स हैं, ये मूंछे पे ताव लगाए हुए हो। अरे हमारा मतलब है हम जेंट्स टेलर हैं, हम सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलते हैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझे अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं, इनके लिए सिलवाने, ये तो मर्द है ना। आओ ले लो नाप, ले लो। आ जाओ ले लो नाप, ले लो। संतोष जी आइए, आप बैठिए अंदर। क्वालिटी चेक कर रही हूँ, क्वालिटी। ये स्टमक कम हो गया मेरा। हो गया हो गया हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया? अरे भाई कफन नहीं सिलाना है, ड्रेस सिलानी है। बुलाना हो गया पूरा नाप। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हमने अभी तक बताया नहीं आपको किस तरह का कपड़ा सिलवाना है हमें, तो कैसे हो गया? बाद में मुझे कहीं जाना है। मोहम्मद भाई, अपना असली नाम सुन के आप तो भौंकला गए। मोहम्मद भाई, अरे रुक मोहम्मद, अरे मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया। मेरा कसूर क्या? चेक करो, तलाशी लेने दो। एक मिनट, यहाँ कुछ है। एक मिनट भाई, क्या है ये नमक? चलो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए? हाँ ठीक है, ओके। हमें पता था मैडम सर कि आप ही सही निकलेगी, पूरा भरोसा था हमें इस बात पर। अब देखिएगा अमर सर आपको कैसे सल्यूट मारेंगे, मजा आ जाएगा। आप खुश नहीं है इस बात से? नहीं करिश्मा सिंह, क्योंकि फिलहाल ये छोटी मोटी जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती है। मायने रखता है ये केस, जो बच्चे की बात सही निकलने से अब उलझता ही जा रहा है। सच में इस टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए हैं, और ये इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास आई कैसे? कहीं ये रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म वगैरह सब कहीं सच तो नहीं? पर फिर कैसे हो सकता है ये सब? बच्चे को कैसे पता? या फिर ये पूरा जाल किसी और का ही बिछाया हुआ है? ये
इस इंसान ने इस बच्चे को सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ है अपनी चाल चलने के लिए, लेकिन कौन और क्यों? दीवान जी। सर कहाँ हैं आप? बस थाने की तरफ ही आ रहा हूँ। सर मत आइए, गुल हो जाइए, मिस्टर इंडिया हो जाइए, पूरा दिन पुलिस स्टेशन में दिखाई मत दीजिएगा सर। बस सुबह क्या बोल रहे हो दीवान जी? अरे सर वो बच्चे की टिप बिल्कुल सही निकली है, टेलर टेलर नहीं ड्रग डीलर है, ड्रग्स बरामद हुए उससे और अब वो पकड़ा भी गया है। सर आप शर्त हार चुके हैं क्या? सर इसलिए तो कह रहा हूँ हवा हो जाइए, अगर सामने पड़ गए तो शर्त के हिसाब से हसीना मैडम को आपको सल्यूट करना पड़ेगा। सर इज्जत जाएगी भी तो किन के सामने? औरतों के सामने। सर आपको मेरी कसम है आप मत आइएगा, मैं फोन रख रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। दीवान जी बात हुआ? नहीं किसे मैडम? अमर सर से, उन्हीं से ना बात कर रहे थे अभी, आप आने वाले थे ना, वो अभी तक आए नहीं, कब तक आ रहे हैं वो? हाँ हुई बात, वो सर डीएसपी सर के साथ में मीटिंग में है ना, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई और कह रहे थे कि और लंबी चलेगी। डीएसपी सर को आप जानती हैं, बात एकदम डिटेल में समझा समझा के करते हैं तो टाइम लग जाता है। कुछ काम था आपको? हाँ काम था। तो हमें बताइए ना, हम मैसेज दे देंगे सर को। क्या बात कर रहे हैं, ना काम उनसे है तो उन्हीं को ना बताएंगे, आपको काहे बीच में डाले इसमें, है ना? वो आएंगे तो उनको हम बता देंगे, आप अपना काम कीजिए, ये फाइल हम आपको देना है। वेल जी थैंक यू। सही कहते थे बाबूजी, औरतों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, अब अमर सर भी किनके आगे फंस गए। ये सब मुझे गुरु कहते हैं, मैं गुरु हूँ लेकिन आप गुरु घंटाल हो, मैं स्पाई हूँ लेकिन आप हेड ऑफ द स्पाई हो, मैं खबर हूँ लेकिन आप महा खबर हो। मिनी पापा क्या मिले? अरे सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? ए, चुप बैठो, तुम नहीं समझोगे। मिनी पापा क्या सटीक खबर दी है, आओ इस बहाने मैं आपको बर्गर खिलाता हूँ, आओ। ए बिलोटे दिमाग खराब है तेरा, छोटे से पिद्दू से बच्चे को पापा पापा क्या किया जा रहा है? पुष्पा जी देखिए, पति है वो हमारे। मैडम सर हाँ, हाँ, बरामद ड्रग्स जो है वो लॉकर में रख दिए, आप बताइए क्या करना है? वैसे बच्चे ने जो टिप दी थी वो तो एकदम सही निकली है, लेकिन आपको सच में लगता है ये लल्ला के पापा का पुनर्जन्म हुआ है? पर सवाल ये है मैडम सर कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतना बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से है? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है करिश्मा सिंह, की ड्रग पेडलिंग जैसी सीरियस इन्फॉर्मेशन इस बच्चे के पास कैसे आई? मोंटू के पिताजी का नाम क्या है? सोम सिंह। सोम सिंह, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली? पूरा कुंडली निकाली है मैडम सर उसका, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो खुद अपने बेटे के इस तमाशे से परेशान है। तो फिर क्या कैसे? पुष्पा जी के हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड किसी को भी डायरी लिखने की आदत थी या है? नहीं 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 मैडम सर, हमारे पति देव को तो ऐसा कोई डायरी लिखने का आदत नहीं है, और जितना हम लल्ला के पापा को जानते हैं उनको भी ऐसा कुछ मतलब शौक नहीं था डायरी लिखने का। तो फिर इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये क्यों ये री इनकारनेशन और पुनर्जन्म का ड्रामा कर रहा है? कौन है इस सबके पीछे? बच्चा ही तो है मैडम सर, सब घूर के देखेंगे ना उसको, पूरा पुनर्जन्म का पुराण गातेगा हमारे सामने, बता रहे हैं, जाएं उसको समझाएं। नहीं नहीं प्लीज आप रहने दीजिए, बच्चा है इसलिए हमें और ज्यादा नरमी और पेशेंस से पेश आना होगा। और वैसे भी बच्चों को डरा कर उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, दोस्ती करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेंगे अपने तरीके से, आप प्लीज अपना दिमाग शांत रखिए। ओके जी मैडम सर। क्या लगता है मैडम सर आपको, करिश्मा मैडम अपना दिमाग शांत रख पाएंगी? हाँ रख पाएंगे, और हम सुन पा रहे हैं, बिल्कुल रख पाएंगे। क्या आप कोई पगलेट सांड है क्या, हम जो किसी के भी सामने जाके अपना सिंग मार देंगे? हम शांत हो पाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। पागल चुप रे, माँ चला गाड़ी चला।
हटिए, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये उतरिए। करिश्मा और चलेगी भी तब जब स्टार्ट होगी। और स्टार्ट तब होगी जब चाबी मिलेगी। लाइए चाबी दीजिए। काहे? अरे काहे का काहे, जैसे पिछले जन्म में लल्ला के पप्पा हमें ऐसे ही बाइक पे घुमा के आराधना के राजेश खन्ना का जो गाना था ना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना सुनाते थे ना और हम ऐसे ही पीछे बैठ के उस गाने का लुत्फ उठाते थे। आज वैसे ही हमें घूमने जाना है। ये घुमाएंगे आपको, ये बाइक का पेट्रोल का टंकी जितना इनका साइज है ये आपको घुमाएंगे। गियर लगाने के बाद ब्रेक तक जाने में इनको ऑटो करना पड़ जाएगा। और ये आपको घुमाएंगे, आंखें यहाँ बंद होगी ना तो सीधा परलोक में जाके खुलेगी। इस बात के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ये चलाएंगे बाइक। हमने कहा चाबी दीजिए। नहीं देंगे हम चाबी। और इतना ही शौक है इनको घूमने का तो हम घुमा कर लाते हैं इनको। फिर मजाक से शुरू हुआ खेल काफी खतरनाक हो रहा है। कहीं पुष्पा जी के जज्बात की कीमत मासूमों को ड्रग्स की लत में पड़कर ना चुकानी पड़ जाए।